हेलो दोस्तों, हमारे एसनेस गोल्डन चांस चैनल में वेलकम है आप लोगों का। आज दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ख़ास चीज़ लेके आऊँ क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। आल्ट कॉइन, कुछ आल्ट कॉइन यानी टॉप 6 कॉइन मैंने अच्छे से रिव्यू किया, उसको देखा, उसको अच्छे से एनालाइज किया। तो एनालाइज करने में मैं अपने हिसाब से एनालाइज किया हूँ। तो एक क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो वर्ड है, तो कौन कौन से हैं मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चल रहा हूँ। तो सिंपल सा है, 1 से 10 रुपए के रेंज में है, ज़्यादा महंगे कॉइन हैं और अच्छे कॉइन हैं और अच्छे एक्सचेंज पे भी हैं। तो कहने का मतलब मैं इस पर आ गया हूँ एग्जाम्पल फॉर कॉइन मार्केट कैप में। तो मैं यहाँ पर सर्च करके आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला कॉइन मैं बता दे रहा हूँ, सिया कॉइन। और थोड़ा सा मैं बता दूंगा, जैसे मान चलो ये 3 डॉट है, इस पर मैंने कॉइन मार्केट कैप में आया तो सिया कॉइन यहाँ सर्च आ गया। यहाँ पे मैं जैसे फर्स्ट करेंसी में दिखा दे रहा हूँ सिया, जैसे ही सिया कॉइन मैंने सर्च किया इस तरह आ गया। टॉप 6 कॉइन मैंने देखे हैं, ज़्यादा नहीं, 1 से 10 रुपये के रेंज में हैं। तो ये देखिए, उसके बाद इस तरह ऑप्शन आ जाएगा सिया का, इसका बता देगा मार्केट कैप कितना है, वैल्यूम कितना है और सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। तो आप देख सकते हो, आपको ये नहीं देखना कि यार बड़े ज़्यादा कॉइन है, बड़ी ज़्यादा सप्लाई, ये जो भी सप्लाई है, देखिए सप्लाई ही नहीं देखा जाता, ये भी देखा जाता है कि सप्लाई के साथ ये कितना सस्ता है या महंगा है भी। तो अभी मान के लो एक बिटकॉइन आपको लेना, एक बिटकॉइन कितने में लोगे, जो भी रेंज चल रहा होगा 9 लाख 10 लाख, तो 10 लाख दोगे, लेकिन 10 लाख में ये अगर लोगे तो कितने कॉइन जाएंगे, तो ये भी थोड़ा सा देखा जाता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे से आप इसको खुद से देख लीजिए, जैसे मैंने देखा है, अच्छा समझा, तो मैंने हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं एक सजेस्ट मैंने सोचा आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो कहने का मतलब अभी इसका जो रेट है 440, ऐसे सतोसी चल रहे हैं 440। और जैसे यहाँ पे जैसे कोई भी कॉइन हो, मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे मैं देखता हूँ हालांकि। तो जैसे कोई भी कॉइन मार्केट कैप में आ जाइए आप, जैसे अब कॉइन के बारे में अच्छे से जानना, आप अपने अच्छे से देखें, जाँचें, इसका एनालाइज करें। ज़रूरी नहीं कि मैं बता दूं या कोई भी यूट्यूबर आपको बता दे, आप बस कूद पड़ो, कूदना नहीं है, ऐसे खुद से देखना चाहिए ना। तो कैसे देखा जाता है, जैसे मान के लो ये सिया कॉइन हो गया, एक कॉइन को मैं बता दे रहा हूँ, इसी तरह आप हर कॉइन को अच्छे से देख सकते हो। तो सिंपल सा, जैसे मान के लो सिया कॉइन की वेबसाइट पर हमें जाना है ना, तो वेबसाइट यहाँ पर दिख रही है, इस पर ऐसे क्लिक करोगे तो ये देखिए इसकी वेबसाइट आ गई। अब ये 3 डॉट जो है, इस पर अगर क्लिक करोगे ऐसे इसके बारे में आ जाएंगे वॉलेट, तो जो भी है आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, इसका मतलब पूरा अबाउट अबाउट दिया है, ये पूरा पढ़ सकते हो क्या क्या, तो इस तरह वेबसाइट पे आया जाता है। और दूसरा, जैसे इसके अपडेट कहाँ पे आते हैं, न्यूज़ आप जानना चाहते हो, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे जब आओगे तो यहाँ देखिए चार्ट दिखा रहा है, ये तो टोटली ऑल चार्ट दिखा रहा है। जैसे 1 डेज 7 डेज पे क्लिक करोगे 7 दिन का चार्ट दिखाएगा, 1 डेज का करोगे 1 दिन का दिखाएगा, कैसे चार्ट है, अप की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है। और उसके अलावा जैसे यहाँ पे फिर आपको जैसे ये पता करनी होती, कोई भी कॉइन हो, जो भी कॉइन हो, यहाँ कॉइन मार्केट कैप से अच्छे से जान सकते हो कोई भी कॉइन है। उसके बाद जैसे आप ये जानना चाहो ये कौन कौन से एक्सचेंज पे है, अच्छे एक्सचेंज पे है या छोटे एक्सचेंज पे है या बड़े, तो कहने वाला यहाँ देखिए दिख रहा है मार्केट, मार्केट्स पे क्लिक करोगे ना तो ये फिर नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे मार्केट दिखाएगा सिया कॉइन कौन कौन से एक्सचेंज पे है। तो दिखा रहा है बिट्रेक्स पे है, पोलोनिक्स पे है, बिट्रेक्स हिट BTC पे है, अबू कॉइंस, बिस्क और कौन कौन से हैं, लेकिन जो बड़े एक्सचेंज हैं बिट्रेक्स हुआ, पोलोनिक्स हुआ और बाइनेंस हुआ, मैं तो इसी को करता हूँ सजेस्ट, ये ज़्यादा बेस्ट कॉइन है, इसके वैल्यूम बढ़िया है। जैसे बिट्रेक्स पे है पोलोनिक्स, तो पोलोनिक्स बिट्रेक्स बाइनेंस ये सब काफ़ी बड़े और अच्छे एक्सचेंज हैं। तो इसके अलावा जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो रैंक भी दिखा रहा है, 27 रैंक पे अभी प्रेजेंट टाइम है। ये पल भर में जैसे मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि अभी ये रेट हो, सेकेंडों में नीचे डाउन भी रहता है, सेकेंडों में अप भी जाता है, यानी ये क्रिप्टो वर्ल्ड है, क्रिप्टो करेंसी है, तो आप चेक करोगे तो कुछ और रहेगा। तो हालांकि जो अभी का रेट दिख रहा है 448 देखो BTC हो गया, तो ये चीज़ मैं इसलिए आपको, हाँ इसके अलावा और ये होता है ना, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो इसके जैसे अपडेट कहाँ कहाँ पे आते हैं, तो अपडेट कैसे जानोगे, देखिए यहाँ नीचे आओगे ना तो तीसरे नंबर पे देखो सोशल दिख रहा है, सोशल पे क्लिक करोगे तो फिर नीचे जाओगे तो हालांकि ये दिखाई दे रहा है ना, ये अपडेट अपना न्यूज़ दे देता है। ट्विटर पे इन लोग का ऑफिशियल अकाउंट होता है CRTech नाम से, चाहे तो आप ट्विटर पे फॉलो भी नहीं कर सकते हो, और या तो यहाँ पे आप डेली आके चेक कर सकते हो। अपडेट से बहुत फ़र्क पड़ता है, न्यूज़ अगर अच्छी होती है तो रेट बहुत तेज़ इंक्रीज होता है, अगर न्यूज़ ख़राब होती है कुछ भी है तो रेट डाउन भी आता है। तो खैर ये अपडेट देते रहते हैं, 11 हॉर्स पहले का अपडेट है, कुछ भी आर वर्किंग विद बिट्रेक्स, इन्हें रिसॉल्व कोई इशू चल रहा था बिट्रेक्स से, तो वो इशू ये सॉल्व कर दिए हैं, तो उसी के बारे में अपडेट दिए हैं। तो ये ऐसे अपडेट जिसका जिस भी कॉइन का अच्छा आता है, वेबसाइट अच्छी है, तो इस तरह अपडेट न्यूज़ देख सकते हो यहाँ पे। तो ये मैं सिर्फ इसलिए और ये बता रहा है, जैसे कॉइन कौन सा है, माइनेबल कॉइन, तो सारे चीज़ें दिखते हैं,
तो हालांकि तो ये चीज़ें ये इसलिए मैं बता दिया, जैसे काफ़ी लोग होते हैं ये भी नहीं पता होता कैसे हम उसकी वेबसाइट पे जाएं, या कैसे कितनी सप्लाई या कितनी वैल्यूम है, या कौन से रैंक पे चल रहा है, या न्यूज़ उसके कहाँ पे आते हैं, तो आपको अब पता चल गया। तो ये तो मेरा फर्स्ट चॉइस हो गया सिया कॉइन, इसका जो मैं अपने हिसाब से एनालाइज मैंने किया, तो यानी जो रिसर्च किया अपने हिसाब से, आप रिसर्च कर लीजिएगा देखिएगा, क्योंकि आपको हमसे ज़्यादा जानकारी है, तो आप अच्छे से अपने हिसाब से, जरूरी नहीं मैं जो कहूँ वो आप करिए। बस मेरा क्या वो है कि मैं आप लोगों को बताऊँ, शायद मुझे अगर बेनिफिट हुआ तो आप लोगों को भी हो, तो ये मुझे एक खुशी मिलती है। तो इसीलिए मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं शेयर किया, जब मैंने देखा, मैंने कुछ एनालाइज किया, रिसर्च किया, मुझे बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं और लोगों को और दोस्तों को बताऊं, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। तो हालांकि मैं यही सोच के बता रहा हूं, मैं एक अपनी रिसर्च यानी एक जानकारी आपको दे रहा हूं, तो ज़रूरी नहीं मैं जो कहूं या मैं जो कह रहा हूं तो आप करिए, नहीं वो नहीं करना, आप अपने हिसाब से इस पे आइएगा। ये तरीका मैंने बता दिया, आप देखिएगा कितनी सप्लाई क्या है, और भी बहुत से यूट्यूबर अच्छे अच्छे हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, आप वीडियो देखिएगा, एनालाइज करिएगा, जैसे जब आपको अच्छा लगे, जब आपको ट्रस्ट हो, यकीन हो, विश्वास हो जाए ना, तब आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, वो भी बहुत थोड़े अमाउंट से स्टार्टिंग करिएगा। जिप्पे का है, जिप्पे का लिंक पा जाओगे तो वहाँ से बना सकते हो, उससे क्या बिटकॉइन लेके कैसे बाय किया जाता है, काफ़ी वीडियो अवेलेबल हैं, वैसे मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो कहने का मतलब फर्स्ट मेरा चॉइस ये है, इसका मेरा अंदाज़ा है, मैंने देखा जिस हिसाब से उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सिया कॉइन लगभग अभी जो भी रेट चल रहा है 448 चल रहा है, 400 से 500 के बीच में आप बाय कर सकते हो, बाय करके मिनिमम इसको आप होल्ड कर सकते हो 3 से 6 महीने या इससे भी ज़्यादा, यानी जितना अच्छा रिटर्न आपके अंदर पेशेंस हो, तो 3 से 6 महीने, जरूरी नहीं मैं 3 से 6 महीने बोल रहा हूँ, तो 3 से 6 महीने में ही रिटर्न अच्छा देगा, उससे पहले भी दे सकता है, उसके बाद भी दे सकता है, क्योंकि क्रिप्टो वर्ड है, ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोलूँ वो सच हो, 100% कोई गारंटी नहीं ले सकता, चाहे वो 10 ईयर्स का एक्सपर्ट हो, तो सब हो सकता है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब इसका जो मेरा अंदाज़ा है, हालांकि 3 से 6 महीने के अंदर में, अभी एग्जांपल सतोशी चल रहा है, सतोशी अभी देख ही रहे हो, इसका मिनिमम चल रहा है 448 सतोशी चल रहा है, तो 448 सतोशी को लोग रुपीज़ में जानना चाहते हैं कि ये कितना रुपया हुआ, तो एक प्री वेबसाइट होता है, तो आपको बता दें, वो भी ज़रूरी है जानना ना, तो ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, हालांकि प्री वेबसाइट भी ओपन करके, अब जैसे 448 या 50 सतोशी है, तो यहाँ पे अब जैसे देखिए, यहाँ ये प्री वेबसाइट हमने ओपन कर लिया, अब एग्जांपल सिया कॉइन 448 सतोशी दिखा रहा है, आप इंडियन रुपीज़ में जानना चाहते हो या डॉलर में, तो यहाँ पे अपना वो डाल दो BTC, उतना और इसको यहाँ जहाँ USD लिखा है, इस पर जब क्लिक करोगे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे INR कर दो, इंडियन में जानना चाहते हो, INR कर दोगे ना, तो ये इंडियन रुपीज आ गया। अब क्या है, चेक कर सकते हो, यानी अभी का जो करंट प्राइस है, यानी 448 सतोशी, यानी 3.90 रुपये। तो इस तरह ये मैं तरीका आपको बता दिया कि इस तरह आप देख सकते हो, अगर इंडियन रुपीज में जानना चाहते हो, ये है, तो उसी पे मैं फिर जा रहा हूँ। और वैसे कॉइन इंडेक्स, वर्ल्ड कॉइन इंडेक्स वेबसाइट है, उस पर भी देख सकते हो, वहाँ INR में बता देता है। तो हालांकि इस तरह देख सकते हो 448-450 सतोशी चल रहा है सिया कॉइन का, तो हालांकि 450 से 500 के बीच में बाय करने का अच्छा चांस है, बाय कर सकते हो। तो इसका मेरा जहाँ तक मैंने जिस हिसाब से देखा, इसके अपडेट हर चीज़ देख रहा हूँ, हार्ड फॉर क्या क्या होने वाला है, तो इसके न्यू न्यू अपडेट आने वाले हैं, तो इससे क्या है, और कुछ कॉइन भी कम होंगे, तो इससे क्या है, मेरे एनालाइज, मेरे रिसर्च से मैं जहाँ तक पाया, तो ये कॉइन लगभग जा सकता है 3 से 6 महीने के अंदर में अच्छा रिटर्न, जरूरी नहीं इससे बाद या इससे पहले भी अच्छा रिटर्न दे सकता है, यानी 1600 से 2500 सतोशी तक जा सकता है, अभी जो कि अभी रेट क्या है, अभी आप देखें ना, अभी का रेट है 448-500 जो भी रेट अभी ले सकते हैं, यानी 1600 से 2500 सतोशी तक इजीली जा सकता है। ये तो फर्स्ट कॉइन हो गया सिया कॉइन, जितना ज़्यादा हो सके आप ले सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपने विश्वास पे अच्छे से रिसर्च करिएगा, जरूरी नहीं कि मैं जो बताऊँ वो राइट है, मैं जो कहूँ वो सही है, हालांकि मैं अपनी रिसर्च बता रहा हूँ, तो आप अच्छे से अपनी रिसर्च देखिएगा। ये तो पहला कॉइन हो गया सिया कॉइन, आपने देख लिया, अब मैं दूसरा और तरीके भी बता दिए कैसे देखा जाता है, क्या है, और भी बहुत तरीके हैं, तो आप अच्छे से ग्राफ कैसे देखा जाता है, ये सब हालांकि बहुत चीज़ें हैं, तो उतना आप देख सकते हो।
तो कहने को मतलब दूसरा कॉइन अब मैं आपको दिखा दूँ, दूसरा कॉइन भी बता दे रहा हूँ। 6 कॉइन मैंने चॉइस किए हैं, 6 कॉइन में से एक कॉइन है जो कि किसी मार्केट में अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो कॉइन भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये TCC यानी दी चैम्प कॉइन। अब ये दी चैम्प कॉइन मैंने क्यों लिया, इसको क्यों सिलेक्ट किया, रीज़न आप जान लो। देखिए अभी ये कोई एक्सचेंज पे नहीं लॉन्च, आप किसी कोई भी किसी के पास दी चैम्प कॉइन अगर है तो ले सकते हो, 3-4 रुपये में आपको दे देगा, जो कि अभी मार्केट रेट में देखोगे तो इसका रेट चल रहा है 677 सतोसी, समझ रहे हैं, यानी मान के लो 7-6 रुपये ऐसे चल रहा है। लेकिन तभी किसी से लोग वैसे वैलेट टू वैलेट ही मिलेगा, क्योंकि एक्सचेंज पे अभी किसी पे लॉन्च नहीं है, लेकिन फरवरी लास्ट तक ये बाइनेंस या बीटेक्स या फॉलेनिक्स बड़े एक्सचेंज में तीनों में से किसी एक पे लॉन्च होने वाला है। कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, कोई ऑफिशियल, बस ऑफिशियल न्यूज़ है आया था, लेकिन हाँ फरवरी लास्ट तक। तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, हालांकि मैंने इसका जो देखा है यानी इसकी टीम बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब कैसे टीम बड़ी, इसने सबसे पहले क्या था इसका मेथड, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जैसे फ्री का एडवर्टाइजमेंट से पैसे देता था नेटवर्किंग टाइप का, तो चैम्प कैश नाम था, आपने शायद सुना भी होगा, काफ़ी लोग ने किया था, 10-10 लाख 12-12 लाख तक इनकम की थी। तो ये चीज़ तो उस तरह इन्होंने सबसे पहले एक रेफरल प्रोग्राम यानी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था एडवर्टाइजमेंट, तो क्या है वो बहुत चला, काफ़ी चला, 2015 में लॉन्च किया था, उसके बाद ये चला, 2 करोड़ यूज़र क्रॉस कर गया, यानी उनके ऐप्स में कम से कम 2 करोड़ यूज़र से ज़्यादा यूज़र हैं। तो क्या बाद में इन्होंने क्या सोचा, क्यों ना आज डिजिटल करेंसी चल रही है तो हम दी चैम्प कॉइन लॉन्च कर दें। तो अब सोचो इनका 2 करोड़ यूज़र हैं, हाँ 2 करोड़ यूज़र हैं, अब 2 करोड़ में से अब इन्होंने क्या दी चैम्प कॉइन लॉन्च कर दिया, 35 पैसे से लॉन्च किया, लेकिन अभी देख ही रहे हो आप 7 रुपये ऐसे चल रहे हैं, और किसी से अगर लोगों को जो ट्रस्टेबल इंसान हो ले सकते हो किसी से अभी, क्योंकि एक्सचेंज पे लॉन्च नहीं है, अभी रेट सस्ते में पा जाओगे किसी भी, इस पे यकीन हो विश्वास हो ले सकते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो ये क्या है, तो अभी फरवरी में लॉन्च होगा, तो एक्सचेंज पे अगर लॉन्च होगा खुद आप सोच सकते हो जिसकी टीम बड़ी हो वो कहाँ जा सकता, आप खुद से पावर ऑफ टीम वर्क कहते हैं, इसकी टीम 2 करोड़ यूज़र वैसे ही है ऐप्स में, उतने लोग वैसे ही इन्वेस्टमेंट किए हैं, तब सारे लोग ट्रेड करेंगे और सारे लोग के पास कॉइन है तो और अच्छे से जान लोगे क्या है डिसेंट्रलाइज कॉइन है, ऐसा भी नहीं है। तो अभी इस पे काम चल रहा है, वाइट पेपर भी हर चीज़ आ गया, धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। तो कहने मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हैं अपने आप में, खुद सोच सकते हो, अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। तो इसका रेट मेरे ख्याल से इस साल के अंदर में अच्छा खासा जा सकता है, 3000 से 4000 सतोसी इजीली या इससे भी ज़्यादा जा, लेकिन ये मेरा रिसर्च है, मेरा कोई मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लीजिए, बस मेरा रिसर्च है, मैंने बताया। लेकिन हाँ आप 3 महीने या 6 महीने बाद आप देखिएगा मैंने जो रेट आज बताया क्या यही रेट में रहता है, आप खुद देखोगे। तो बस ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरा रिसर्च, मेरा एनालाइज है, फर्स्ट एनालाइज मैंने किया है क्रिप्टो करेंसी पे, तो मेरा पहली बार है, क्योंकि पहले तो मैंने खुद देखा कहीं पे ट्राई किया, तो जब सही राइट निकला तो मैंने कहा क्यों ना हम दोस्तों को बताएं, जिससे हमारा अगर भला हो रहा है तो अगले का भी भला हो ना लाइफ में, ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट आप कमाओगे आप हमें दे दोगे, तो खैर जो भी है अच्छा है, बस किसी ना किसी का अगर हमें कुछ नॉलेज है तो हमें शेयर करना चाहिए, बट आपको भी कुछ नॉलेज हो तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे हम भी उस कॉइन के बारे में जानेंगे, लेना चाहेंगे, क्रिप्टो वर्ड है भाई, ज़रूरी नहीं मैं जो बताऊँ वो राइट हो और अगला जो बताए वो गलत हो, नहीं ऐसा नहीं है, किसी का भी कुछ भी राइट हो सकता है, क्रिप्टो वर्ड है भाई, क्रिप्टो दुनिया, इसमें 100% रिस्क है, 100% प्रॉफिट है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाओ कि भाई 100% रिस्क है भाई, रिस्क अगर आप ये सोच लो भाई भैंस लाएंगे, अगर भैंस मर गई तो यानी भैंस मर गई तो आप ये सोचोगे भैंस लाएंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, हम दूध पियेंगे, घी निकालेंगे, क्या क्या फ़ायदा होगा, वो नहीं सोच रहे हो, अगर ये सोचने लगे भैंस मर गई तो हर जगह का निगेटिव फेस होता है, तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए, हमेशा थोड़े बहुत पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट जरूर करके इसमें ट्राई, क्योंकि इससे ज़्यादा ये भी मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ना जितना प्रॉफिट यहाँ से कोई कम पैसे में लगा के निकाल सकता है उतना कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, समझ रहे हो, ये जान जाओ लाइफ में, तो रिस्क तो है लेकिन प्रॉफिट भी सबसे, रिस्क तो किस जगह रिस्क नहीं, आप हर जगह रिस्क है भाई साहब। तो ये बता दिया मैं दी चैम्प कॉइन का, ये तो दी चैम्प कॉइन का हो गया हालांकि, तो लेकिन ये जरूरी नहीं मैंने जो बताया, अब इसका वैल्यूम सब सप्लाई देखिएगा, सप्लाई तो बहुत ही कम है, तो अच्छे से देखिएगा, अभी इस पर काम भी चल रहा है, रैंक वैंक मत जाइए, 469 रैंक वैंक बहुत कम है कॉइन मार्केट में, नहीं क्योंकि भाई
मैं बता दिया इसका जो अपडेट है, टीम है आप खुद देख सकते हो, चैम कैस लोड करोगे वहाँ जब ज्वाइनिंग लोगे ना खुद ही पता चल जाएगा। ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, खुद से देखिएगा, खुद से रिसर्च करिएगा, ये आपकी मर्जी है, आपकी रिस्क, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा आप लगाओगे, मुझे क्या, मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों की भले के लिए, आप लेकिन अपने दिमाग से, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आपको उतना नॉलेज है, आपको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, तो ये चीज़ें हैं ना, तो ये सब देख लेना अच्छे से क्या क्या है इसके सोशल। अभी वेबसाइट उतना खास नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा जा सकता है, क्योंकि सारे पे काम चल रहा है इसका, हर चीज़ बेटर है, तो मैंने चेक करने के लिए बता दिया, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्या कैसे, आप खुद हर कॉइन अच्छे से रिसर्च करिएगा, देखिएगा जब बेटर लग गया, फिर उसके बाद देखिए मैं एक कॉइन और, फिर दूसरी, ये दो कॉइन हो गया ना, मेरा अंदाज़ा जो मेरा गेस है यानी 3,000 से 4,000 मैंने बताया दी चैम कॉइन, इससे भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि आप खुद सोचो 2 करोड़ टीम है ऑलरेडी भाई, उसमें से एक टीम मैं भी यूज़र हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, किसी बिल्कुल भी मत लीजिएगा ऑलरेडी, इसलिए तुम्हें खुद ही पता को थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही, क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्रुप में ज्वाइन हूँ, इसलिए कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो जानकारी हो जाती है, उस टीम में से एक मेंबर मैं भी हूँ किसी का, तो कहने का मतलब मेरे पास तो है भाई, मैंने लिया, हालांकि और बेनिफिट में भी हूँ, तो चलिए लेकिन और बता दे रहा हूँ, जो भी हो जो एक्सचेंज पे चाहे उसे ही ले लो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करी उसी को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जिसमें किया ही नहीं बस बता दूँ आपको लॉस हो जाए, लॉस तो रिस्क अपने ऊपर लेना है ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं, मैं जो कहूँ वो लीजिए बिल्कुल भी मत लीजिए, अपने दिल से जब आपका दिल कहे ना कि हाँ यार ये लेना चाहिए, आप इन कॉइनों में से देखिए शायद कोई कॉइन आपको बेटर लग जाए, या अपने से एनालाइज करिएगा, कॉइन मार्केट इतना बड़ा है, 1400 प्लस कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, कोई भी अच्छी कॉइन हो, क्योंकि देखिए जब कोई एक्सचेंज पे होता है ना तो उस बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग उसी के बारे में सही से बता सकते हैं, जान रहे हो, जो भी बिटकॉइन या जो भी एक्सपर्ट हैं, जब वो अंदर में काम हो रहा है, क्या हो रहा है, मजबूत कर रहा है, उसके बारे में थोड़े बता पाए, वो तो जब मार्केट में आएंगे तभी ना, तो इसलिए भाई मार्केट में वही बता सकता है ना जो उसके अंदर में हो, तो ये सब अच्छे से आप देखिएगा इसकी क्या चीज़ें हैं। तो तीसरा कॉइन मैं बता दूँ, तो अब तीसरा कॉइन भाई सर्च कर लो यहाँ पे, थ्री डॉट पे मैंने क्लिक करके फिर यहाँ पे तीसरा कॉइन बता दे रहा हूँ, TCC के बाद मैंने सेलेक्ट किया है वो डिगी बाइट है, DGB यानी शॉर्टकट में है, तो सब देखिए मैं सिंपल एकदम सिंपली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या। तो अब डिगी बाइट मैंने तीसरा कॉइन अपने लिए सेलेक्ट किया और मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया, कितना किया भाई ये तो हम नहीं बता सकते, जो भी किया हूँ बट किया हूँ करने के बाद में, ऐसा नहीं पहले खुद उसमें घुसता हूँ उसके बाद फिर मैंने किया हालांकि। तो ये देखिए डिगी बाइट का आप देख लीजिए अभी रेट 690 चल रहा है, 690 सतोसी, तो अभी भी 690 चल रहा है, 750 और 690 के बीच आराम से बाय कर सकते हो 690 डिगी बाइट, तो मेरा जहाँ तक गेस है ये 3 से 6 महीने के अंदर में अच्छा बेनिफिट दे सकता है, एक दो गुना यानी जा सकता है इजीली 1500 से 2000 क्रॉस भी कर सकता है भाई, देखिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लीजिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ हाँ, ये क्रिप्टो करेंसी है तो ये चीज़ है, तो ये देख लीजिएगा इसका हर चीज़ देख लीजिएगा अच्छे से क्या है इसके अपडेट, इसके चार्ट यहाँ पे अच्छे से सब चीज़ मैंने तो बता ही दिया ना कैसे क्या करना है, तो ये भी रैंक अभी 44 है, तो ये 690 सतोसी अभी भी देख लीजिएगा, मैं अभी ये रेट बताऊँ अभी पता नहीं आप जब देखोगे तो क्या रेट चल रहा है, तो मेरा जो अंदाज़ा है 3 से 6 महीने के अंदर ईजीली 1500 सतोसी से 2000 सतोसी क्रॉस कर जाएगा। तो ये कॉइन हो गया डिगी बाइट, हो गया सिया कॉइन, हो गया TCC, हो गया डिगी बाइट तीसरा कॉइन हो गया, अब चौथा कॉइन मैं बता दे रहा हूँ रेड कॉइन RDD कॉइन, ये सब जो भी मैं कॉइन बता रहा हूँ बहुत अच्छे एक्सचेंज पे मिलेंगे, अच्छे अच्छे एक्सचेंज पे, ऐसा नहीं कि पता चला छोटे एक्सचेंज वाला बता दिया पता चला एक्सचेंज ही क्रैश हो गई, तो ऐसा नहीं है, पता चला बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि वो एक्सचेंज ख़राब है, अच्छे हैं बट वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है स्टार्टिंग में लोग उतना पावरफुल नहीं होता, सर्वर क्रैश हो जाते हैं, तो जो बड़े एक्सचेंज पे हैं जो अच्छे हैं जो ट्रस्टेड हैं जिसका वैल्यूम अच्छा है, बाइनेंस, बिट्रेक्स, पोलोनिक्स, इन सब एक्सचेंज के मैं कॉइन बता रहा हूँ ऑलरेडी, आप खुद देख लीजिए मार्केट में कौन कौन से इसे हैं। तो अब चौथा कॉइन मैं बता दे रहा हूँ RDD यानी रेड कॉइन, तो ऑलरेडी मैं चौथा कॉइन बता दे रहा हूँ, तो RDD तो ये देखिए RDD आ गया, इसका भी देखिए रेट अभी क्या चल रहा है, अभी रेट चल रहा है 141 सतोसी, मान के चलो 1-2 रुपए ऐसे कुछ हैं, तो 141 सतोसी चल रहा है, तो ये RDD मेरा एनालाइज मेरा रिसर्च है, तो 3 से 6 महीने के अंदर में अगर होल्ड करते हो तो अच्छा रिटर्न दे सकता है, यानी ये जा सकता है लम सम, मेरा
जो एनालाइज मैंने जो रिसर्च किया उस पर, तो 300 से 500 सदोसी आराम से इजीली जा सकता है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन इसका मतलब डरो मत, रिस्क तो हर जगह है, मैं बार बार बताऊँ रिस्क हर जगह है। और ये भी सोचो हर जगह पता नहीं कितने पैसे हम लोग खा पी के फालतू बर्बाद कर देते हैं ना, तो वो जो खा पी के फालतू बर्बाद करते हैं कुछ दिन खाना पीना, थोड़ा खाना पीना तो खाएं, मतलब जो चटर वटर फालतू बर्बाद करें वो पैसे थोड़ा रोक लें अपने एक दो महीने ना, तो इन्वेस्टमेंट करके जरूर ट्राई करना चाहिए यार, बहुत बेस्ट है, मुझे तो बेनिफिट हुआ, मैंने वही किया, बहुत फालतू पैसा खर्चा करता था ना, अपने आप को थोड़ा कंट्रोलिंग किया तो इन्वेस्टमेंट का और फ़ायदा भी हो रहा है। हालांकि तो मैंने इसीलिए तो बताया, नहीं तो अदर वीडियो जाते थे मेरे, अदर क्या अभी न्यू चैनल ही बनाया हूँ। तो ये हो गया, ये चौथा कॉइन क्या हो गया, RDD कॉइन, यानी 350 सतोसी से 500 सतोसी इजीली जा सकता है। आप अभी 142 चल रहा है, 200 चल रहा है सतोसी, तो आप ले सकते हो इजीली, जितना ज़्यादा कहते हैं नहीं, जितना ज़्यादा लोगे उतना बढ़िया बेनिफिट, कहते हैं जैसे सेव है, ये समझ लो एक सेव की तरह है। एग्जांपल आप मार्केट में क्या है, कैसे होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी होते हैं, थोड़ा सा बता दूं, ये भी एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मार्केट में सेव है, अब मार्केट रेट कैसे बढ़ता है, थोड़ा सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज़्यादा हो गई, जिससे रेट हाई होने लगेगा। मान के चलो कैसे, जैसे देखिए मार्केट में अब मान के चलो 10 ही सेब हैं, अब 10 ही सेब के लिए हज़ारों लोग आ गए भैया, अब मार्केट में 10 ही सेब हैं भैया, अब उसमें से जो लोग ले लिए 10 सेब या जो भी ले लिए हैं, अब क्या है ज़रूरत, अब जब सेब की क्वालिटी सबको पता चली भैया सेब बड़ा अच्छा है भाई, ले लोगे बहुत आगे वाले समय में और अच्छा वो जा सकता है, ये मतलब उसकी क्वालिटी पता चली तो भैया हाँ भाई, अब जिसने ले लिया अब 10 सेब क्या है लेके रख लिया अपने पास, अब जब भाई तुम भी जा रहे हो और ज़्यादा लोग आ भाई यार, जो कि उस बंदे ने 1 रुपये में सेब लिया, अब और बंदे बोल रहे भाई दे दे हमें 2 ही रुपये में, बोल दे नहीं भाई मैं तो नहीं दूंगा, नहीं दे रहा वो बेचारा होल्ड करके रख लिया, फिर और लोग बोल रहे भाई दे दे 500 कर, ऐसे बोली चलने लगती है, यानी सेब कम है और मांगने वाले ज़्यादा आ गए तो रेट ऑटोमेटिक, अब इसका मन भाई जितना करेगा उतने का देगा ना, तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी होती है। यहाँ पे समझो आप एक कुछ पार्ट खरीदो, आप कहते हैं 10 सेब पे, अगर इस सेब पे 10 रुपये का बेनिफिट हो ले रहा तो कहते हैं 10 सेब है तो 10 दाम मत सौ ना, तो जितना ज़्यादा सेब जो भी कॉइन में जितना ज़्यादा तो उतना बड़ा। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा स्टार्टिंग में हमेशा थोड़े से इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद जानकारी होती रहेगी ना, तब फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, उसके पहले बिल्कुल भी ना करें, समझ रहे हो। और उसके बाद जैसे ये सेबी की तरह होती है, तो इसी तरह ये हो गया, समझ लो सामान है, बस ये सेब वो है हाथ में तुम पा जाओगे, समझ रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोग सेब कहने से समझ जाएंगे। तो सेब जिसे ना कहते नहीं वो, अरे सेब बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्या वही सेब ही समझ लो, लेकिन बस क्या आपके हाथ में नहीं गए ना, उसको छू सकते हो ना देख सकते हो, बस हाँ आपके वॉलेट में हाँ 10 कॉइन पड़े हैं हमारे पास इस कंपनी के, डी या डिगी बाइट है या डी चैम कॉइन है, यानी TCC है या तो यार रिपल है या ये है, ये पड़े हैं, यानी वो सेब समझ लो, तो जितने पड़े हैं उसी हिसाब से एक कॉइन पे जितना बढ़ रहा है उतना अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन सबसे शॉर्ट टर्म का बड़ा अच्छा है, यानी कोई ये नहीं है कि फर्जी है, कम से कम हम लोग चोरी चमारी, या तो भैया दूसरा शॉर्ट जो लोग अगर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, दूसरा तरीका ये चोरी चमारी करो भैया, तो भाई चोरी चमारी हम लोग नहीं कर सकते, हालांकि जो लोग कर रहे हैं उनकी बात अलग है, तो दूसरा सबसे शॉर्ट का तरीका वही है, नहीं तो जो सही तरीका और रियल तरीका, एक सही रास्ता सही तरीका है ना शॉर्ट टर्म में पैसे ज़्यादा कमाना, वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड है, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो शॉर्ट टर्म में आपको इतना पैसा दे दे, इतना रिटर्न दे दे क्रिप्टो करेंसी के अलावा, नहीं तो वही मैंने बताया नहीं सबसे ईजिली या तो चोरी चमारी करो, चोरी चमारी हम जैसे लोग या आप जैसे लोग तो नहीं कर सकते ना, तो सबसे बढ़िया ये है, इसमें बढ़िया खुद का रिस्क है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन अच्छा बेनिफिट मैंने बताया नहीं यार, अपना यार रिस्क बढ़िया, बहुत ऐसे पैसे हम लोग बर्बाद करते हैं बस, तो वही बर्बाद ना करो, कुछ पैसे यार सोच के रिस्क ही ले लो, ये सोच लो ये पैसे मेरे चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही पैसे लगाओ। हाँ तो मैंने 4 कॉइन बता दिया, रेड कॉइन RDD कॉइन, ये भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 3 से 6 महीने, इतना पेशेंस होना चाहिए, ये नहीं कि आज लगाओ कल ही भैया हमको चाहिए 1000 रुपये, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, तो ये समझ लो, तो ये चीज़ें हैं, तो ये सब ध्यान देना। तो ये ज़रूरी नहीं कि अभी RDD कॉइन ले लिए या TCC या जो भी है, रेट डाउन भी आ सकता है, लेकिन उसमें घबराना नहीं यार, पेशेंस मैंने क्या नहीं 3 से 6 महीने आपके अंदर पेशेंस ज़रूर होना चाहिए, यहाँ लॉन्ग टर्म जो बुफेट है इन्वेस्टर, यानी 10-10 साल तक साला इन्वेस्टमेंट करके रोके रहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इतना पेशेंस है तभी तो आज सबसे वो माने जाते हैं इन्वेस्टर में सबसे अमीर आदमी बुफेट, तो वो चीज़ है। तो खैर हम तो 6 ही महीने के लिए कह रहे हैं कोई भी कॉइन, लेकिन अपने रिसर्च से यार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेना। तो ये 4 कॉइन हो गया ना, अब बता दें 4 कॉइन तो हो गया, अब रेड कॉइन के बाद बता दें एक डॉग कॉइन है 1 रुपये में, बड़ा सस्ता है यार, बड़ा अच्छा और सस्ता। अब डॉग कॉइन का रेट क्यों बढ़ेगा,
डोकॉइन लगभग लगभग हर एक्सचेंज पे मिल जाता है। अब देखिए लोग करते क्या हैं, डोकॉइन आपको बता दे रहा हूँ। अब डोकॉइन जो है ना, अब रेटवा इसलिए बढ़ जाता है, अब क्या बता, देखो थोड़ा सा डोकॉइन मैंने सर्च कर लिया, आ गया। अब ये डोकॉइन आ गया, अभी रेट 91.80 ऐसे चल रहा है, जो भी रेट में पाओ बटोर लो साले को, रेट तो जाएगा नहीं, अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने रिसर्च से बटोरना भैया, मैं तो बता रहा हूँ, बस आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ। अब इसमें से छाटना, शायद आप लोगों में किसी को अच्छा लग गया कि हाँ भाई बढ़िया कॉइन है ले लो, तो हाँ बढ़िया है, तो ये चीज़ है ना, तो जान रहे हो, तो इसमें से ले लो। एक रुपये का रेट चल रहा है अभी, एक रुपये का, तो इजीली मेरा जो गेस है 3 से 6 महीने में इसका रेट आराम से चला जाएगा 300-400 सतोसी इजीली, यानी अगर 1 रुपये में ले रहे हो 4-5 रुपये इजीली चला जाएगा। ये तो मेरा रिसर्च, मेरा सजेस्ट है, बट अपने हिसाब से आप सोचना समझना भैया। सर्कुलेटिंग सप्लाई वप्लाई मत देखना कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ रेट भी देखा करो, रेट क्या चल रहा है। एक बिटकॉइन 9 लाख दे रहे हो, एक खरीद रहे हो ना, तो उसी हिसाब से भाई एक बिटकॉइन का अगर इसको खरीदोगे सोचो कितने आ जाएंगे ना, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ रेट भी थोड़ा देखा करो। कुछ लोग सर्कुलेटिंग सप्लाई ये देख के, अरे भाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ये कहाँ रेट आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के डिमांड में लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो सब समझो बराबर है, कुछ नहीं है। एक एक लोग 5-5 करोड़ देखिए इन्वेस्टमेंट कर बैठ रहे हैं, 3-3 लाख डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाहर के लोग, फॉरेनर वाने का, और रिस्क हम लोग कौन सा बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं साला। चलिए तो हाँ, ये डोकॉइन हो गया। अब डोकॉइन रेट इसलिए और बढ़ जाता है ना, काफ़ी लोग जैसे हैं ना, तो ये करते हैं, क्या करते हैं जानते हो, जैसे मान के लो बिटरेक्स पे हैं, बिटरेक्स पे उनको ट्रांसफ़र करना हो पॉलिनिक्स पे, कि पॉलिनिक्स पे लाओ मैं सतोसी यानी अपने सतोसी को सेंड करूँ, लेकिन जब सतोसी को सेंड करते हैं किसी दूसरे, तो क्या है 1 लाख सतोसी डायरेक्ट बिटरेक्स वाले काट लेते हैं ट्रांजेक्शन चार्ज, तो वहाँ पे लोग क्या असर कर देते हैं ना, डोकॉइन में कन्वर्ट उसको डायरेक्ट जाते हैं, जितना सतोसी सेंड करना है उतने का डोकॉइन खरीद लेते हैं। अब डोकॉइन क्या है, ट्रांसफ़र उस पर कर लिए, बहुत ज़्यादा दो कॉइन कटा नहीं, जहाँ 1 लाख सतोसी कटेगा डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं, कि दो कॉइन में कन्वर्ट करके दो कॉइन वहाँ सेंड करते हैं ना, तो दो कॉइन कटेगा, 2 या 3 यानी 200-300 सतोसी में काम हो जाता है, इसीलिए लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन में काम ले लेते हैं, तो इसका रेट वैसे भी जाना ही जाना है। बढ़िया ट्रस्टेबल है सब, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट कॉइन है। लॉन्ग टर्म क्या, शॉर्ट टर्म में भी दे सकता है यार, क्रिप्टो वर्ड है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, समझ रहे हो, तो ये तो मैं लॉन्ग टर्म, मतलब इतना पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, तो ये चीज़ें। अब ये डोग कॉइन हो गया, समझ रहे हो, डोग कॉइन हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा बता दें, डोग के बाद TRX भी है, 600-900 के बीच में अगर मिल जाए तो TRX कॉइन ले लो। ट्रोन है, चाइनीज है भैया, और जगह जगह टीम इसकी बढ़ती जा रही है, कहीं अलीबाबा फाउंडर जो यूसी ब्राउजर के हैं भैया, तो आपको पता ही होगा ना, तो ये सब बढ़ते जा रहे हैं, तो ट्रोन भी अपना ले लीजिए। अभी जो है 600-900 के बीच में अप डाउन कर रहा है, एक बार 2000 हिट करके भी चला आया, अच्छा खासा रिस्पांस दिया, तो ये देखिए अभी ये चल रहा है 673 चलने लगा है, तो यही बोला ना, ये 600-900 के बीच में चल रहा है, तो आराम से इसको ट्रोन भी ले सकते हो। अब फिर ट्रोन हो गया, तो लगभग लगभग पूरे कॉइन हमने लग रहा है बता दिए, तो सारे कॉइन हो गए, ट्रोन भी हो गया सारे कॉइन, और मेरी बैटरी भी जाने वाली है, नहीं तो बैटरी बैठ जाएगी, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो बेकार ही हो जाएगा। तो दोस्तों शायद आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई चीज़ मिस्टेक हुई होगी, कोई गलती हुई होगी, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कहें, क्योंकि देखिए क्रिप्टो वर्ड भाई, यहाँ 7-7 साल 8-8 साल के जो एक्सपर्ट हैं उनसे जब वो जो बोलते हैं कभी कोई रॉन्ग हो जाता है, तो हम तो भाई अभी तो नए हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं, और थोड़ा जो भी सीख रहे हैं शेयर करें, और जो नहीं हमें समझ में आया, कुछ गलत होगा ना, कोई आपको जानकारी हुई कोई कॉइन के बारे में, जरूर कमेंट में हमें बता दीजिएगा, और कुछ भी कमी हुई होगी ना तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और हो सके अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई आपका दिल मन कहे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी घंटे दबा के कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटा, तो अच्छा इसी के साथ अपनी वाणी को इंटरप्ट कर रहा हूँ, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।